रुक करते हैं खबरों का। टिहरी बांध से उत्तराखंड राज्य के 37% रॉयल्टी देने की मांग अब उठने लगी है और यह मांग स्थानीय स्तर पर उठाई जा रही है, बल्कि सदन में भी यह मांग विपक्षी दलों के विधायकों ने उठाई गई है। इसके साथ ही टिहरी डैम टॉप से 24 घंटे आवागमन की मांग भी उठाई गई है ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। दरअसल टिहरी बांध से उत्तर प्रदेश को मिलने वाली 25% रॉयल्टी उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि उत्तराखंड राज्य को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर प्रतापनगर के कांग्रेस के विधायक विक्रम सिंह नेगी ने सदन में भी इस मुद्दे को उठाया है। प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी ने नई टिहरी कांग्रेस कार्यालय में कहा कि टिहरी बांध से उत्तर प्रदेश को मिलने वाली 25% रॉयल्टी उत्तर प्रदेश को नहीं मिलनी चाहिए बल्कि उत्तराखंड को रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जो कि कुल मिलाकर 37% रॉयल्टी उत्तराखंड सरकार को मिलनी चाहिए, क्योंकि टिहरी बांध टिहरी में स्थापित है और मुख्यालय भी टिहरी में स्थापित है और विद्युत उत्पादन भी टिहरी में हो रहा है। ऐसे में उत्तराखंड को यह रॉयल्टी मिलनी चाहिए क्योंकि आर्थिक की नज़र से भी उत्तराखंड की हालात बेहद खराब है। ऐसे में ये रॉयल्टी उत्तराखंड को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार इस पर तत्काल निर्णय ले और इस संबंध में केंद्र से तत्काल वार्ता करे, क्योंकि ये निर्णय लिया जाना अति आवश्यक भी है। वहीं कांग्रेस के पूर्व पार्षद प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि टिहरी डैम टॉप से 24 घंटे आवागमन को लेकर यहाँ की जनता मांग कर रही है, बल्कि सदन में भी विधायक विक्रम सिंह नेगी द्वारा सवाल उठाए गए हैं। सीधा साधा प्रश्न है, जब प्रदेश का बंटवारा हो गया, टिहरी डैम टिहरी में स्थित है, टिहरी डैम की झील टिहरी में स्थित है, टिहरी डैम से निकल जो नदियां गंगा और भिलंगना वो टिहरी में स्थित है, टीएसडीसी का मुख्यालय टिहरी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में इसका कुछ भी नहीं है, तो उत्तर प्रदेश को इसका 25% जो पैसा है वो क्यों जाता है? वो उत्तराखंड को मिलना चाहिए और उत्तराखंड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है आर्थिक रूप में। सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जल्दी जल्दी से इसको उत्तराखंड को मिले। आवागमन का मामला है, जो 2400 घंटे आवागमन की हमारी मांग है, जो हम हमेशा से इस मांग को करते रहे। मैं आभारी हूं आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी, हमारे विधायक जी का, उन्होंने नियम 310 में इसको सदन में लाया है, जबकि नियम 300 में इसको लाया है और पूर्व में भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से लेकर भारत सरकार के मंत्री, यहाँ के विधायक, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो ये घोषणा करते रहे कि हम टिहरी बांध के ऊपर से 2400 घंटे आवाजाही की अनुमति देते हैं, लेकिन वो अनुमति आज तक नहीं मिली है। जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है, तो मेरा आप सबके माध्यम से आग्रह है कि सरकार इन जनहित के मुद्दों पर ध्यान दे।